तो फ्रेंड्स, हम उस देश के वासी हैं जहाँ किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस सिर्फ तब तक दिया जाता है जब तक हमें उस चीज से फायदा आ रहा हो या हमें उस चीज से कोई मतलब हो। जैसे ही हमारा फायदा आना बंद हुआ, हमारा मतलब पूरा हुआ, हम उस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं या दूर फेंक देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम इस वीडियो में सरकार और वोटर का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे वायरस का जिक्र करेंगे जो कि पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आज हम जिस वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो इसको हम शॉर्ट में LSDV भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। तो ये वायरस मेनली कैटल्स को अफेक्ट करता है। और आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि वायरस ओरिजिनेट कहां से हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये वायरस पहली बार 1929 में जैम्बिया में देखा गया था। 2019 में जुलाई और अगस्त के महीने बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आया था, लेकिन मिड 2019 से लेके जून 2022 तक इसके सिर्फ चुनिंदा केसेस ही इंडिया में थे। लेकिन जून के बाद इसी साल ये वायरस अपनी पीक पे आया और इसने गाय और भैंसों को अपना शिकार बनाया। लेकिन इंडिया में ये वायरस सिर्फ गायों के लिए जानलेवा साबित हुआ है, जिसे हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हमने माँ का दर्जा दिया है। तो चलो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये वायरस फैलता कैसे है, इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और क्या ये वायरस ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, ये वायरस मुंह और नाक के थ्रू एनिमल की बॉडी के अंदर जाता है। इवन कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू भी ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन इंडिया में इस वायरस को मोस्टली मच्छरों ने फैलाया है। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इस बीमारी को एनिमल बॉडी में फैलने का टाइम अप्रोक्सीमेटली 28 डेज बताया है। जबकि इस वायरस के सिम्टम्स जो हैं एनिमल बॉडी में, सबसे पहले तेज बुखार आता है, सेकेंडली उसके दूध में एकदम से अचानक से गिरावट आ जाती है, उस पशु को भूख बहुत कम लगने लग जाती है तो इसी से वो पतला और दुबला हो जाता है, और कई केसेस में यही पाया गया है कि पशु डिप्रेशन में चला जाता है। एज वेल एज इन्फेक्टेड एनिमल की आंख और नाक से वाटर डिस्चार्ज होने लग जाता है, प्लस मुंह से भी लार गिरने लग जाती है। इस वायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, मतलब ये ह्यूमंस को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो गाय माताओं के साथ 24 घंटे रहते हैं, जो इन्फेक्टेड गायों का ध्यान रख रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की इस केस में जरूरत है। दोस्तों, ये तो था जनरल प्रिकॉशन इस वायरस के बारे में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमारी सरकारें इस वायरस के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं, ये बीमारी पूरे देश में 200 से भी ज्यादा जिलों में फैल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने इस वायरस से बचने के लिए किसी भी वैक्सीन का निर्माण नहीं किया है। और अब जब मैं आपको इस वायरस से होने वाली डेथ्स का एस्टीमेट बताऊंगा, डेथ्स के नंबर बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो अप्रोक्स 1,00,000 गायें पूरे देश में इस वायरस से मर चुकी हैं, जबकि 50,000 गायें सिर्फ राजस्थान में मरी हैं। लेकिन सरकारें इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है, कोई भी न्यूज चैनल इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वायरस से सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास लोग और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ही पिस रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं, वही लोग परेशान हो रहे हैं। इस वजह से ना तो सरकार आगे आ रही है, ना मीडिया इस बारे में बात कर रहा है। हाँ, सरकारों का एज यूजुअल जो रहता है, सरकारें इसके लिए प्रयत्न कर रही है, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस। जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। हमारे देश में कई परिवार ऐसे थे जो सिर्फ दूध के व्यापार से ही अपना पालन पोषण करते थे, और जब से ये बीमारी आई, 70% डेयरी ओनर्स और फार्मर्स ने दूध की सप्लाई रोक दी है। वो उस दूध को डंप कर रहे हैं, या कहा जाए उस बीमारी की वजह से वो दूध को फेंक देते हैं, दूध का व्यापार नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पशु मर गए हैं, जिनकी गायें मर गई हैं, तो वो जो इस केस के विक्टिम है वो सरकार से कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस पर ठोस कदम उठाते हुए ये भी कहा है कि क्वारंटाइन और वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है, और सरकार ने अभी के लिए एक टेम्परेरी वैक्सीन दी है जिसका नाम है गोटपोक्स। लेकिन इस मामले पर भी विवाद हो रहा है कि क्या ये गोटपोक्स सुरक्षित है, क्या ये गोटपोक्स सेफ है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस गोटपोक्स के साइड इफेक्ट्स भी पशुओं में देखे जा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस बीमारी को आए हुए लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन हम तो उस देश के वासी है ना, जहाँ कोविड जैसी महामारी के टाइम पे भी एक तरफ जहाँ लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स ऑर्गन्स की स्मगलिंग करके अपनी जेबें भर रहे हैं। तो इस सिस्टम से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जब इंसान मर रहे थे तब इन्होंने लापरवाही दिखाई, हालांकि अब तो हमारी जानवरों की है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ
इस महामारी के वक्त कितने जानवर मर गए और कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपना दूध बेचना बंद कर दिया लेकिन मार्केट में अभी भी दूध की कमी नहीं आई। इवन टोटल कंजप्शन ऑफ मिल्क तो पहले भी पूरा नहीं पड़ता था और कई एजेंसीज ने तो ये भी दावा किया है, ये जो बड़ी बड़ी मिल्क पैकेजिंग कंपनी है ये आर्टिफिशियल मिल्क प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इंडिया डेली सिर्फ 2 करोड़ लीटर दूध ही प्रोड्यूस करता है जबकि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। और इतनी कॉमन सेंस तो हर नॉनसेंस को है, अगर इस महामारी के वक्त में भी अगर दूध की सप्लाई कम नहीं पड़ रही है तो ये बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फिलहाल के टाइम में दूध की आर्टिफिशियल प्रोडक्शन हो रही है। तो अभी फिलहाल के टाइम में हमें जरूरत है कि हमें सबको एकत्रित होकर हमारी गौ माता के लिए आवाज उठानी चाहिए और उसके इंसाफ के लिए हमें लड़ना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में गौ माता के इंसाफ की बात करी है और अगर आप भी अपनी गौ माता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। गौ माता नैया भटकती रोड़ा पे पानी ने भी तर